नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे शिक्षा विभाग की नई योजना के। शिक्षा विभाग ने 60 से कम संख्या छात्रों वाले स्कूलों का विलय करने का फैसला लिया है। तो शिक्षा विभाग ने 60 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का नजदीकी स्कूलों में विलय करने का मन बनाया है और इस बाबत सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट भी तलब की गई है। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। प्रदेश का शिक्षा विभाग सूबे के उन स्कूलों की रिपोर्ट तलब कर रहा है जिनमें छात्रों की संख्या 60 से कम है। शिक्षा विभाग की योजना है कि कम छात्रों वाले स्कूलों का नजदीकी स्कूलों में विलय करा दिया जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके, लेकिन इस योजना से कई सारी परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। दरअसल जानकारों का मानना है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का नजदीकी स्कूलों में विलय करा देने भर से समस्याओं का अंत नहीं होगा बल्कि और समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में छोटे बच्चे और छात्राओं की भी संख्या शामिल है। ऐसे में अगर स्कूलों का विलय किया जाता है तो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ सकती है। ऐसे में यकीनन उनकी मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो शाम की तो यहाँ तकरीबन 8 स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्र संख्या तो 60 से कम है लेकिन छात्राओं और छोटे बच्चों की तादाद ज्यादा है। इन 8 स्कूलों में शामिल हैं जीपीएस बादवाला, छपारबास, ढाड़ी सरल, कन्या स्कूल खरकड़ी माखवान, ढाड़ी बनवाना, झुल्ली और जैनावास के 8 स्कूल जिनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 294 है और इनमें 189 छात्राएं हैं। ऐसे में अगर इन स्कूलों का विलय किया जाता है तो छात्रों को तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी जो कि खासतौर पर छात्राओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो शिक्षा विभाग ने 23 मार्च से ही स्कूलों का प्रभावी तौर पर विलय कराने की योजना बनाई है। इससे छात्रों के हालांकि भवन की समस्या तो दूर हो जाएगी लेकिन इससे और समस्याएं हैं जो खड़ी हो सकती हैं, जैसे छोटे बच्चों की बात करें या फिर छात्राओं की जिनको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ सकती है। छात्राओं की सुविधा की बात करते हैं तो आसपास के इलाके में अगर स्कूल होता है या विद्यालय होते हैं या ऐसे कॉलेजेस होते हैं तो माँ बाप उस तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं कि नजदीकी स्कूलों में छात्राओं का एडमिशन करा दिया जाए, लेकिन अगर इन स्कूलों का विलय होता है तो हो सकता है कि छात्राओं को बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। तो सवाल ऐसे में यही है कि विलय की ये योजना क्या अव्यवस्था पर पूर्ण लगाम लगा पाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरजीत जुड़ चुके हैं। सुरजीत, स्कूलों का विलय करने की योजना प्रभावी तरीके से लागू करने की बात तो शिक्षा विभाग कर रहा है लेकिन इससे कई सारी और समस्याएं हैं जो जन्म ले सकती हैं। निश्चित तौर पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात कि ये जो जहां तक विलय का सवाल है, खास तौर पर ये प्राइमरी स्कूल है सारे के सारे और ये देखा गया है कि इनकी जैसे जो स्कूल विलय किए जाते हैं उसके अनुसार दूरी बढ़ जाती है। फिर जैसे तो शाम में ही अगर आप लगा लीजिए तो दोस्त एक तो खरकड़ी गांव है उसी का कन्याओं का ये स्कूल है लड़कियों का, इसको खरकड़ी झावरी स्कूल में विलय किया गया है तो ये तो ज्यादा दूरी पे नहीं है, लेकिन लक्ष्मणपुरा गांव का जो स्कूल है उसको योजना है विलय करने की तो वो करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है पूरा गांव। तो इस तरह से फिर वो जो बच्चे हैं 5वीं तक क्लास के वो उनको ट्रेवलिंग या आने जाने में बड़ी परेशानी होगी और खास तौर पर जो लड़कियों का स्कूल है, जो छोटी लड़कियां हैं 5वीं क्लास तक की, उनको बहुत दिक्कतें होती है। निश्चित तौर पे ये समस्या की वजह जरूर बनेगी आने वाले समय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरजीत आपका हमसे जुड़ने के लिए। सुरजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर होंगी। सोनीपत के स्कूलों की बात करें तो शाम के स्कूलों की बात करें, प्रदेश के तमाम उन जिलों में जिन स्कूलों में जो संख्या है छात्रों की अगर 60 से कम है तो उनका नजदीकी स्कूलों में विलय करा दिया जाएगा, उनको मर्ज कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की योजना है कि इससे गुणवत्ता में सुधार होगा, छात्र संख्या इससे जो है अगर कम होती है तो कई बार शिक्षक भी स्कूल नहीं पहुंच सकते, तो तमाम गुणवत्ता में सुधार की दरकार यहां पर शिक्षा विभाग देख रहा है। लेकिन अब इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। हरियाणा अध्यापक संघ ने यह साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की योजना से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। जरूरत है कि ऐसे स्कूलों में छात्र संख्याओं को बढ़ाया जाए, ना कि स्कूलों का विलय करा दिया जाए, मर्ज करा दिया जाए। ये कोई स्थायी जो है वो समाधान नहीं है क्योंकि इससे और सारी दिक्कतें जन्म ले सकती हैं। तो क्या सवाल यही है कि विलय से अव्यवस्था की जो लय है वो बदल पाएगी, क्योंकि अगर प्रदेश के तकरीबन
तमाम स्कूलों की बात करते हैं तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्र संख्या 60 से भी कम है, लेकिन चूंकि नजदीकी स्कूल है इसलिए ऐसे में अभिभावक प्रेफर करते हैं, जाते हैं वहां पर बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, और ऐसे में अगर दूरियां बढ़ जाती हैं तो निश्चित तौर पर छात्राओं और छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। शिक्षा विभाग ने 23 मार्च से ही स्कूलों के विलय की योजना बनाई है, इससे छात्रों की भवन की समस्या दूर होगी। और इस वक्त राजेश मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी कहिए। शिक्षा विभाग ने 23 मार्च से ही विभागों के विलय की जो योजना बनाई है, आपके नजरिए से ये योजना कितनी प्रभावी हो सकती है? देखिए तो बहुत सोच समझ कर होता है विभाग का, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ संख्या कम है, हमारे ब्लॉक में भी ऐसा है, लेकिन हमने आंकड़े विभाग को भी दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं आया आदेश कि इन स्कूलों का विलय हो चुका। जैसा कुछ आएगा तो आप जब राय जानना चाहेंगे हम आपको मुहैया कराएंगे अपनी बात से। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें 23 मार्च से विभागों के विलय की योजना को प्रभावी बनाने का फैसला किया गया है, लेकिन इससे जो दिक्कतें हैं वो भी बढ़ सकती हैं। सिक्के के दो पहलू, एक तरफ जहां से छात्रों के भवन की समस्या तो हल हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतों में सुधार किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो कि बढ़ भी सकती है, खासतौर पर छात्राओं के लिए शिक्षा ग्रहण करना चुनौती बन सकता है, क्योंकि अगर स्कूल दूर होंगे तो जाहिर तौर पर जो हिचकिचाहट होगी वो जरूर रहेगी अभिभावकों के मन में। साठ से कम छात्रों वाले स्कूलों का विलय होगा, विलय की योजना अव्यवस्था पर क्या पूर्ण विराम लगा पाएगी? निजी स्कूल एसोसिएशन के महासचिव रणवीर पुनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। शिक्षा विभाग ने 23 मार्च से स्कूलों के विलय की योजना बनाई है, जिन स्कूलों में 60 से कम संख्या है छात्रों की उनका नजदीकी स्कूलों में विलय करा दिया जाएगा, आपके नजरिए से ये योजना कितनी प्रभावी है? मैडम ये योजना सरकार की बिल्कुल गलत नीतियां हैं। इसे गरीब बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, वो स्कूल जाना छोड़ देंगे। हाँ जी, और बच्चा 2 या 3 किलोमीटर छोटा बच्चा पैदल कैसे जा सकता है? बिल्कुल, ये हमारे सरकार की गलत नीतियां हैं। हालांकि इस नीति के अपने अहम पहलू भी है रणवीर जी, अगर शिक्षा विभाग की देखें तो उसका साफ तौर पर यह कह रहा है कि गुणवत्ता में सुधार होगा, इसके अलावा जो भवन है उसकी जो दिक्कतें आती हैं कि बरसात है सर्दी है जो भवन की दिक्कत है वो भी कम हो जाएगी, इसका एक पहलू ये भी है जिसकी दलील शिक्षा विभाग दे रहा है। मैडम एक तो कहती सरकार है शिक्षा अधिकार के नियम सभी बच्चे शिक्षा देंगे, दूसरी तरफ सरकार है स्कूलों को बंद करने जा रही है, ये अधिकार है शिक्षा का जी, ये सरकार की गलत नीतियां हैं, गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता, ये तो सरकार की बिल्कुल नाइंसाफी है गरीब बच्चों के साथ। तो आपको लगता है कि इससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार का भी हनन होगा? हाँ बिल्कुल होगा मैडम, शिक्षा अधिकार के तहत बच्चे नहीं जाने के कारण पढ़ रह जाएंगे, गरीब तबका के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ सकेंगे 2-3 किलोमीटर जाकर, ये सरकार की बिल्कुल गलत नीतियां, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आपके एसोसिएशन की तरफ से क्या इस बात का विरोध भी किया जाएगा? हम विरोध करते हैं मैडम। बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। रणवीर पुनिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये दोहरी नीतियां हैं जिससे छात्राओं को मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं और यही वजह है कि उसका विरोध भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के इस फैसले के खिलाफ अगर अध्यापक संघ की बात करते हैं तो वो भी इस फैसले के खिलाफ है, और साथ ही निजी स्कूल भी इस फैसले के खिलाफ है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इससे जो छात्र हैं उनके शिक्षा के अधिकार का जो कानून है उसका हनन होगा, क्योंकि अगर आसपास स्कूल रहते हैं तो बच्चे वहां पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, क्योंकि चूंकि स्कूलों का मर्ज करा दिया जाएगा, उनका विलय करा दिया जाएगा, इसलिए उनको वहां पर जाना जरूरी होगा और मजबूरी भी। तो यही वजह है कि तमाम सवाल भी इस पर खड़े हो रहे हैं।
सोनीपत के 17 स्कूलों के मर्ज होने पर प्राइमरी स्कूलों की संख्या घटकर 437 रह जाएगी। तो शाम में आपको बता दें 8 स्कूलों का विलय किया जाएगा, जिससे तकरीबन सैकड़ों जो छात्राएं हैं वो इससे प्रभावित होंगी। शिक्षा विभाग के इस फैसले के विरोध में हरियाणा प्रदेश संघ अध्यापक संघ ये कह रहा है कि छोटे बच्चों और छात्राओं की पढ़ाई इससे प्रभावित होगी, साथ ही स्कूल दूर होने से छात्रों को ज्यादा दूरी तय करनी होगी। गांव में छात्राओं के लिए शिक्षा ग्रहण करना एक चुनौती भी बन सकता है। क्या स्कूलों का विलय कर देने से ही ये समस्या कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? क्या विलय से बदलेगी अव्यवस्था की लय? स्कूलों का विलय कितना सरल होगा, क्योंकि इसको लेकर अब विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। प्रदेश को शिक्षा विभाग ने 60 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का नजदीकी स्कूलों में विलय करने का मन बनाया है और इस बाबत सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट तलब की है और ऐसी एक सूचियां उपलब्ध भी करा दी गई हैं। और ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि शिक्षा विभाग 23 मार्च से ही विलय की योजना को प्रभावी कर सकता है। कुरुक्षेत्र के जिला परिषद चेयरमैन प्रवीण चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रवीण जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। ठीक है, धन्यवाद मैडम। शिक्षा विभाग ने 23 मार्च से स्कूलों के विलय की योजना बनाई है, जिन स्कूलों में संख्या 60 से कम है छात्रों की उनको नजदीकी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपके नजरिए से ये योजना कितनी प्रभावी, कितनी कारगर? मैडम ये योजना तो वैसे बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल है जहाँ पे ना बच्चों की बड़ी संख्या कम है और टीचरों की संख्या ज्यादा होती है। अगर ऐसा कोई सिस्टम मान ले चलता है तो वैसे बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन प्रवीण जी इसके दूसरे पहलू भी हैं। सवाल इस पर ये भी खड़े हो रहे हैं कि इससे जो छात्र छात्राएं हैं खास तौर पर और जो छोटे बच्चे हैं, अगर नजदीकी स्कूल है भी तो वो 3 से 4 किलोमीटर के अंदर है, उनको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। उनको नहीं होना चाहिए, मान लो कम से कम जो 1 किलोमीटर के अंदर है ना उनको एडजस्टमेंट होना चाहिए, जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है उनका नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि इस पूरे पहलू का भी ध्यान रखना चाहिए? ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इसका, क्योंकि बहुत गरीब ऐसे बच्चे हैं जो कि अगर 3 किलोमीटर नहीं जा पाएंगे वो घर है समर्थ हो जाएंगे, वो पढ़ाई की तरफ नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल प्रवीण जी, और खासतौर पर अगर छात्राओं की बात करते हैं, उनका सर्वे करवा के, मैडम मेरी तो सोची है कि उनका सर्वे करवा के अगर ऐसे कोई स्कूल है जो दूरी पर पढ़ते हैं ज्यादा तो उनके नजदीक में ही वो खोल देना चाहिए, एक चाहे एक टीचर की व्यवस्था की जाए। लेकिन जो दूर का सिस्टम है वो दूर नहीं जा पाएंगे, और बच्चों का 60 का सिस्टम है ये भी बढ़िया है, लेकिन सर्वे करवा के करवाना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। प्रवीण चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, साफ तौर पर कह रहे हैं सर्वेक्षण के आधार पर ये फैसला होना चाहिए, हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि इससे बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो भी हल होंगी। इस विलय से क्या बदलाव होगा ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है, क्योंकि तमाम पहलुओं को ध्यान में रखने की भी बात कही जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहा है। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबरों की आपाधापी में झूठ न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर, हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिसे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद, हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। लार्जेस्ट कैंपस, मोर देन 1800 स्टूडेंट्स, वेल इक्विप्ड वर्कशॉप्स एंड लैब्स, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. के बारे में फिर आपका स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। बात विलय से बदलाव की कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग ने एक योजना तैयार की है जिसके मुताबिक 60 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का नजदीकी स्कूलों में विलय करा देने से समस्याओं का अंत होगा, लेकिन क्या वाकई उसका अंत हो पाएगा? प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष जवाहर गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जवाहर जी बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। थैंक यू जी। शिक्षा विभाग ने जो बच्चों के स्कूलों के विलय की योजना बनाई है, जवाहर जी आपके नजरिए से क्या ये योजना प्रभावी है या सिक्के के दो पहलू जिस तरफ विभाग ध्यान नहीं दे रहा है? मैं इसमें मैडम दो तीन बातें कहना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये है कि अगर विद इन कैंपस के अंदर ही दो स्कूल रन कर रहे हैं जी, एक गर्ल स्कूल के नाम से एक बॉय स्कूल के नाम से, और उसको अगर इकट्ठा किया जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। दूसरी अगर बात है कि वो डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो वहां पे, क्योंकि हर बच्चे का ये अधिकार है कि उसे प्राइमरी लेवल पे विद इन 1 किलोमीटर के एरिया में उसे स्कूल मिले, बिल्कुल, तो उसके अधिकार को देखते हुए उसके साथ ज्यादती होगी और गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को वो स्कूल की सुविधा नहीं मिलती तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि हमने 3-4 साल पहले डायरेक्टर को ये सुझाव दिया था शिक्षा विभाग को, लेकिन वो एक बड़ा प्रोस्पेक्ट है उसका। वो क्या है कि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल रन कर रहे हैं इसी प्रकार से गवर्नमेंट को क्या चाहिए, एक 5 और 6 किलोमीटर की पेरिफेरी के अंदर एक सर्कल के अंदर एक बढ़िया स्कूल बनाया जाए जी। और उस स्कूल में हर जो कक्षा का बच्चा है उसे अलग से टीचर दिए जाएं, जैसे हमारे प्राइमरी विंग में अब क्या है कि एक टीचर है या दो टीचर हैं, उसे सारी क्लासें पढ़ानी पड़ती हैं, 6-6 क्लासें पढ़ानी पड़ती हैं जी। और वहां पे उस पेरिफेरी में 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की पेरिफेरी में बढ़िया स्कूल बनाया जाए और वहां पे छोटी छोटी बसें जो हैं ताकि वो बच्चों को फ्री लेके जाया जाए वहां पे, और वहां सारी उनको सुविधा हो और क्लेरिकल स्टाफ भी हो। आज हम प्राइमरी स्कूलों में क्या देखते हैं, ना तो वहाँ पे क्लेरिकल स्टाफ है, ना वहाँ पे पीएन है, ना वहाँ पे स्वीपर है, तो जो प्राइमरी सुविधाएं हैं वो वहाँ पे नहीं मिल पाती, तो ये भी बहुत बड़ा कारण रह जाता है हमारी शिक्षा में कमी आने का।
तो जवाहर जी, ऐसे में आपको लगता है कि अब 23 मार्च से इस विभागों के विलय की योजना बनाई जा रही है, इन तमाम पहलुओं की तरफ शिक्षा विभाग जो है ध्यान देगा, क्योंकि और अगर नहीं देगा तो फिर क्या कुछ दिशा में किया जा सकता है? इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा हमें उम्मीद थी वैसे अभी इसके बारे में ये कहना भी जल्दी है कि शिक्षा विभाग जो है या शिक्षा मंत्री महोदय कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसमें मैं छोटा सा प्रकाश अवश्य डालना चाहूंगा कि अभी विद्यालयों के अंदर विभाग ने सेमिनार लगाने शुरू कर दिए, जबकि इस समय बच्चों को टीचर्स की ज्यादा जरूरत है, ना कि टीचर के पढ़ने का समय। बिल्कुल। तो उसका हमने विरोध किया और डायरेक्टर लेवल पे हमने वहां जाके बात रखी कि इस समय आप ये जो सेमिनार हैं ये अप्रैल मई में लगाएं। तो इस तरीके से जब तक हम बच्चों पे केंद्रित होके शिक्षा नहीं देंगे, बच्चों पे केंद्रित होके सारी विभाग की पॉलिसियां नहीं बनाएंगे और ड्राइंग रूम में बैठ के अगर हम ये पॉलिसियां बनाएंगे तो मैं नहीं कहता कि शिक्षा विभाग का कोई बहुत ज्यादा भला होने वाला। चलिए जवाहर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। एडेड स्कूल संघ के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश बंसल इस वक्त फोन लाइन पर। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के विलय की जो योजना बनाई है, रमेश जी क्या आपको लगता है कि ये योजना जो है प्रभावी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां देखी जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पहले सर्वेक्षण करा लिया जाए या ऐसे स्कूलों की स्थापना की जाए या छात्र संख्या बढ़ाई जाए जहां पर छात्र संख्या की कमी है, ना कि स्कूलों का दूसरे स्कूलों में विलय करा दिया जाए। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? इस संदर्भ में मेरा ये कहना है जी, जो शिक्षा का अधिकार नियम है हाँ, उसके तहत हर एक बच्चा जो है उसको शिक्षा दिलवाई जानी जरूरी है हाँ, उसको शिक्षित करना जरूरी है और ये दायित्व जहाँ अभिभावकों का बनता है शिक्षा विभाग को उससे ज्यादा और सरकार का उस भी बनता है। तो इसमें मेरा इतना कहना है कि स्कूल बंद स्कूलों का विलय करने के बजाय पहले ये निर्धारित किया जाए कि इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं जो आबादी है उनमें कोई ऐसा बच्चा तो नहीं रहेगा जो हाँ, शिक्षा के अधिकार से वंचित है। अगर वो अधिकार से वंचित है तो पहले उसका पंजीकरण करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए, विलय तो उसके बाद की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर छात्र संख्या बहुत ही कम हो तो संसाधनों का भी ठीक इस्तेमाल होना चाहिए और अगर वो मापदंड पूरे ठीक रहा है कोई सी विद्यालय तो निश्चित रूप से कदम जो है उठाया जाना चाहिए, मगर इससे बहुत जल्दबाजी के अंदर कदम उठाना विलय कर दिया जाएगा। और बहुत सारे, मैं अम्बाड़ा की बात कर रहा हूँ और पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो अम्बाड़ा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे आज स्कूलों तक पहुँचे नहीं है, जो हमारे भी विकर सेक्शन के बच्चे हैं हाँ, तो वो बच्चे उनके बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो प्रयास सरकार का उस और ज्यादा होना चाहिए, पंजीकरण की तरफ ज्यादा होना चाहिए, बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाएं शिक्षा। बिल्कुल, दरकार भी इसी की है। बहुत शुक्रिया रमेश जी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को स्कूलों तक पहुंचने की दरकार होनी चाहिए, ना कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का बंद करा उनका विलय करा दे, इससे और सारी दिक्कतें बढ़ सकती है। इसलिए सरकार को भी और शिक्षा विभाग को भी जरूरत है इस योजना को एक बार फिर से समीक्षा की। हालांकि अभी तक इस योजना को धरातल पर नहीं उतारा गया, लेकिन अगर योजना लागू हो जाती है तो और भी समस्याएं खड़ी हो सकती है। चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा। नमस्कार।